कुछ भी कर। तो भाई इसके लिए भी कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा। मेरे जी ने सक्का कर दी है 4 बजे की। इन्होंने कही थी रुपी लेगी ले टट्टी खा दे मेरा काम करते हैं काम। मैं आपका पूरा करा मैंने इसका मैथ का कुछ ना कर। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग? दिजान जी तो एडिटिंग में लग चुके हैं, आप सभी क्या कर रहे हैं? तो गाइस मैं बना रही हूँ अभी नाश्ता। नाश्ते में आज क्या बन रहा है? आलू के पराठे। नाश्ते में आज बन रहे हैं आलू के पराठे, जो कि चांद की फरमाइश है। रात को चिल्ला भी जी की फरमाइश थी, दिन में नमकीन चावल भी इसी की फरमाइश थी। और ये अभी इन्होंने ये बोला ना कि कुछ नहीं वो बनाती है मेरे लिए, तो खैर नहीं होगी इस इंसान की। ठीक है, सो गाइस अभी मैं बना लेती हूँ आलू के पराठे। काबू को मैंने नहला दिया है, बाहर मैंने मशीन लगा दी है कपड़े धोने के लिए। ये सब मैंने इसलिए कर लिया दिशान जाने के बाद, क्योंकि ये अभी ना वहाँ गए थे सब्जी लेने, सब्जी मंडी। तो मैंने सोचा जब तक ये नहीं है तो तब तक कि मैं थोड़ा सा अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ। मिलती हूँ आप सभी से आलू के पराठों के साथ। अब खाना खाने के लिए हम रेडी हैं और आने के रेडी है। हमारा आ गया है खाना। क्या है भैया आज खाने में? अरे ठीक है, सॉरी भाई, चलो खाना खा लेते हैं गाइज। सो गाइज अभी हो गया खाने का टाइम। सो खाने में आज थोड़ा मैं लेट हो गई हूँ। इसका रीज़न यही था कि मैंने कपड़े वॉश किए थे बहुत सारे यार, जितने भी शूज़ रखे थे और चप्पल वगैरह जो भी रखी थी मैंने सब कुछ धोया है, मतलब धो दिया है उनको बिल्कुल ब्रश से, क्योंकि थोड़ा सा गंदा हो गया था। काफ़ी टाइम तक घर में नहीं थी मैं, तो इसलिए 2-3 दिन लगेंगे मुझे सेटअप करने अपने घर को। सो गाइस थोड़ा सा टाइम इसीलिए लेट हो गई मैं खाना बनाने में। और खाने में आज मैं बना रही हूँ बैंगन का भरता। बैंगन के भरते के लिए इधर मैंने प्याज को भून लिया है, टमाटर हरी मिर्च मैंने इसमें से निकाल दिया, इधर हमारे बैंगन है जिनको मैंने भून लिया है और कट कर दिया है अलग। चलो मैं इसको अलग अलग करके देखते हैं कि कहीं कोई कीड़ा ना हो अंदर। तो इसे पहले भी चेक करती हूँ मैं कि किधर से भी छोटा सा भी अगर कोई वो होता है कीड़े का, मुझे अगर लगता है इसमें कीड़ा हो सकता है तो मैं उस बैंगन को यूज़ ही नहीं करती। एक्चुअली में बैंगन हमारे घर के है ना, तो इसलिए बैंगन बहुत होते हैं भाई हमारे घर में, क्योंकि तो पापा ने लगा रखे हैं। सो गाइस प्याज मेरी ब्राउन हो गई है, इसमें मैं डाल देती हूँ टमाटर और फिर बैंगन डाल दूँगी हर, मतलब सारी चीज़ें डालने के बाद उसके बाद रोटियाँ बनाऊँगी। मेरा खाना इधर आ गया है, रायता आलू का भरता, 2 रोटी। दिशु किसे कैसे बन रहा खाना यार? ठीक था, अच्छा था, बढ़िया था। अच्छा क्या लगा तेरे को? हैं? तू इधर देख के ही बोल सकता है। ठीक था, अच्छा था, बढ़िया था। बढ़ता कैसा है? अब बढ़ते के बारे में बताया और किस बारे में? रायता तो मैंने खाया नहीं, बिल्कुल नहीं खाया। तो आलू का रायता खाया था? जीरे का यार, मेरे मुँह में खाए वो। गाइस आज चलते हैं हमने बगीचे में बाहर, बहुत दिन हो गए गए जाना क्या यार पता है। पापा ने लहसुन जो है ना वो उखाड़ दिया पूरा, और लहसुन को अब उठा के लाना है। और उखाड़ दिया लहसुन उगाया था पापा, क्यों रह रहे थे तुम क्यों लड़न ला गए? हेलो, आंगली टूटी पड़ी है, डटता नहीं है क्योंकि लोग ने काम खुद कर नौकर लगाऊंगा अपना कर रहा हूं पूरे दिन से, कल भी मैंने अपना पूरा कराया कर दे बुआ पे दवाया है बचा लो ने भाई, ये मोहित से करवा रहे पे कर रहा है घोर अत्याचार। कल से पता भाई, मत कर बेटा, बिल्कुल मत कर, मुझे तेरे बहुत दया आती है। 1.5 घंटा लग गया मेरे को लहसुन झाड़ने में। देखो ये तो जो टूट गया था वो है, और झाड़ा हुआ अभी दिखा देती हूँ। पापा ने बोला है उससे तो अलग नहीं करना है, कहे अगर अलग करोगे तो जल्दी खराब हो जाएगा। अंकल भी बोल रहे थे यही बात।
वो टूटा हुआ था जो अलग अलग कली निकल गई थी भैया, और ये बंदा हुआ है, ये मैंने इधर रख दिया है इस वाले बात में मशीन के ऊपर रखा अभी तो फिलहाल, क्योंकि आ रहा है ना नीचे से। अंकल बोल रहे हैं अगर इनको अलग कर दोगे ना इन चीज़ों को तो ये जल्दी ख़राब होने के चांसेस है, इसलिए मैं इसको इसी में रखूँगी। ये बाहर वाला बाथरूम है, ये हम यूज़ नहीं करते हैं इसलिए मशीन के ऊपर रख दिया है। और वो जो आपको मैंने दिखाया था ये वो है जिसकी कलियाँ निकल गई थी, ये वो उठा लाई हूँ। और इतना ही जो है वो उधर गिल्लू दीदी के पास हो गया, रह गया उधर वाले घर में, दो ही वो बन के वो और ये इतना निकला हुआ है, ये इतना ही सेम उधर रह गया। ये अपने घर का लहसुन अपने घर में सब्जी है भुगने का ये फ़ायदा है। पापा बोल रहे थे बेटा बहुत मेहनत की है, एक कली को भी नहीं छोड़ना। मैंने सच्ची में मिट्टी में से खोद खोद के कलियाँ निकाल ली है, मैं छोड़ के नहीं आई हूँ एक भी। पति देव ने बना लिया है अपने लिए नॉनवेज, और चावल मैंने बना दिए इनके लिए, और रोटियां बना के रख दी है मैंने। और मेरा खाने का मन नहीं है कुछ भी। तो भाई इसके लिए भी कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा, मेरे जी ने सक्का कर दिया 4 बजे की। नॉनवेज तो देखो मैं खाती ही नहीं हूँ, दोपहर का बढ़ता और रायता खाने का मेरा कोई मूड नहीं है, तो इसलिए दिशांत मेरे लिए बना रहे हैं मिंट मिंट तो बेरा दा सारा है यार मिंट मुजीटो। यार ये ग्लास मत फोड़ दिए, बहुत महंगा है। कावेल ले आ रहा हूं बेटे, वहीं चलो अंदर चल, अंदर ला रही है तेरी कोल्ड ड्रिंक अंदर आ रही, चलो भागो भागो गो भागो। आपने भी बड़े टाइम लगा दिया, कितने टाइम में बनाया भाई वो? बस बनाया, चीनी ना मिला तो देखती जा यार, जो डाल रहा हूं ना मैं वो डाल के पी ले। ये बच्चों की हो गई है भाई, उधर मेरी है। बस निकल जाएगी, बस इशो टेस्ट कर लिया मेरा। यहाँ चल रहा है भाई खाना, ये देख लो। सो गाइस ये खाना खा लेते हैं, टाइम हो गया 9:30 का, और खाने किनके खाने के साथ कर देते हैं हम इस लोग को एंड। तो हम लोग यहीं पे एंड, मिलते हैं आपसे इसे कल सुबह, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड लक, गुड नाइट।